Hello, my dear students. Here, myself, Kaushal sir. I am your science teacher. Today, we are going to learn about chapter 2, and this is part 2 of this chapter. The chapter name is The Moon. Okay, so here is our first slide. Now, we are going to jump into our second slide. eclipses the first topic of the part 2 as you know an opaque object doesn't allow light to pass through it jaise ki aap jante hain ki koi bhi opaque object hota hai wo light ko apne paas se pass hone nahi deta block kar deta hai okay तो एक shadow तभी बनता है जब कोई opaque object light को block करे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लैम्प है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है वहां से लाइट निकल रही है और सामने में किसी ने हाथ ला दिया अपना और हाथ जो होता है हैंड इज ओपेक ऑब्जेक्ट ओपैक हैंड और उसके वजह से वो हैंड जो लाइट ब्लॉक कर रहा है बेटा उसके नीचे शेडो का फॉर्मेशन हो रहा है सो अ शेडो इज फॉर्म्ड वेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाई एन ओपैक ऑब्जेक्ट शेडो का फॉर्मेशन समझ में आएगा तो इक्लिप समझ में आएगा शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है देखिए लाइट <coughs> जो है वो लैम्प से आ रहा है और लैम्प के ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो का फॉर्मेशन हो रहा है द साइज़ एंड शेप ऑफ़ द शेडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट शेडो का साइज़ क्या होगा शेप क्या होगा वो बेटा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट लाइट से जितना दूर उसके हिसाब से शेडो का साइज़ कम ज़्यादा होगा नाउ इक्लिप्सिस का सेकेंड पार्ट इसी में कि द अर्थ एंड द मून आर ओपैक ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने देखा कि शेडो का फॉर्मेशन कैसा होता है ओपैक ऑब्जेक्ट्स कैसे लाइट को ब्लॉक करते हैं ओके सो अर्थ और मून जो ये दो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये भी ओपैक ऑब्जेक्ट्स ही हैं और सन जब भी सनलाइट इनके ऊपर पड़ता है तो ये भी शेडो का फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे जब अर्थ के ऊपर सन रेस पड़ेंगे तो वो भी सन रेज को ब्लॉक करेगा ना और वो भी शेडो का फॉर्मेशन करेगा और मून भी वही करेगा तो एक इक्लिप्स क्या है तो एक एक शेडो है इज अ शेडो दैट मेक्स द मून और द सन फुल्ली और पार्शली फॉर सम टाइम इनविजिबल एक इक्लिप्स एक ऐसा शेडो बनता है मून और सन के ऊपर कभी मून के ऊपर शेडो बनता है कभी सन के ऊपर बनता है और ये शेडो बनता किसका ये शेडो अर्थ का बनता या मून का बनता है मून और सन के ऊपर जो शेडो बनता है जिसके वजह से मून और सन कभी पूरे नहीं दिखाई देते जैसे कि मैंने यहां पर दोनों में दिखाए तो पूरे पूरे नहीं दिखाई दे रहे कभी पार्शली इनविजिबल होते मतलब आधे दिखाई नहीं दे रहे होते आधे दिखाई दे रहे होते को हिंदी में ग्रहण कहा जाता है द मून एंड द सन कम्स इन स्ट्रेट लाइन विद सन ये ग्रहण कब एस इस तरह का नेचुरल फेनोमेना इस तरह का जो स्पेशल फेनोमेना है हमारा वो कब होता है वेन द मून एंड द सन कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद सन दे कास्ट ऑन ईच अदर डिपेंडिंग ऑन वेदर द अर्थ और द मून इज इन फ्रंट ऑफ द सन इसमें क्या होता है जब सन मून और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाए और एक दूसरे के ऊपर अपना शेडो क्रिएट कर रहे हो तब इस तरह की चीजें होती okay. कभी मून अर्थ के ऊपर शेडो क्रिएट करेगा कभी अर्थ मून के ऊपर शेडो क्रिएट करेगा मून अर्थ सन के साथ स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे तो कभी मून अर्थ के ऊपर शेडो क्रिएट करेगा कभी अर्थ मून के ऊपर शेडो क्रिएट करेगा इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जब ये शेडो बनाएंगे तो हम उनको बोलते हैं इक्लिप्स हम बोलते हैं ग्रहण दिस इज हाउ इक्लिप्स इज ऑकर वेदेवर द मून एंड द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सन दे कास्ट देयर आर शेडो ऑन ईच अदर डिपेंडिंग ऑन वेदर द अर्थ और द मून इज इन फ्रंट ऑफ द सन कभी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है कभी मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है इस तरह की चीजें होती है इसी कारण से इक्लिप्स बनता है दो तरह के इक्लिप्स होते हैं ये दोनों पोजीशन से जब वेन एवर अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून ओके वेन एवर मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स रेस्पेक्टिवली दे आर ल्यूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दोनों अभी हमें पढ़ने व्हाट इज ल्यूनर इक्लिप्स वेन एवर अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून सो द अर्थ विल ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून मून तक पहुंचने वाली सनलाइट को अर्थ रोक देगा एंड कास्ट इट्स ओन शेडो ऑन द मून और अपना शेडो मून के ऊपर बनाएगा जैसे कि दिखाई दे रहा दिस इज कॉल्ड द ल्यूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून मीन्स वेन एवर अर्थ ब्लॉक सनलाइट एंड नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द मून एंड द अर्थ क्रिएट्स इट्स शेडो ऑन द मून दैट नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज ल्यूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून ल्यूनर इक्लिप्स कैन बी पार्शियल पार्शियल का मतलब पृथ्वी के कुछ भागों में कुछ जगहों में ये आधा दिखाई देगा मतलब पूरे पूरी तरह से चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा पूर्ण चंद्रग्रहण जिसको हम लोग कंप्लीट सोलर इक्लिप्स बोलते हैं और एक है हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स और कंप्लीट ल्यूनियर इक्लिप्स पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स में मून का कुछ भाग दिखता है कुछ नहीं दिखता आधा दिखता है या फिर आधा नहीं दिखता इस तरीके से आधा मून को ग्रहण लग रहा होता है आधा मून अर्थ के शेडो के वजह से दिखाई नहीं देता लेकिन जब टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण तो पूरा का पूरा मून नहीं दिखाई देता है पूरा कंप्लीटली ढक जाता है जैसे कि हमने दिखाया था आपको पिछले स्लाइड में और ये चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून नाइट में ही हो सकता है फुल मून नाइट मतलब पूर्णिमा पूर्णिमा की रात में ही चंद्र ग्रहण संभव है चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सकता है वो उतने ज़्यादा आई को इफेक्ट नहीं करते और एक साल में कम से कम दो चंद्र ग्रहण होते ही हैं एटलीस्ट टू ल्यूनर इक्लिप्स एवरी ईयर ठीक है तो ये दो बार चंद्रग्रहण साल भर में हो जाता है तो हमने क्या पढ़ा कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए मींस देखिए यहां पर भी सन अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में आ गया है तो अर्थ जो है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है मून तक पहुंचने नहीं देता इट ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून और अपना शेडो मून के ऊपर बनाता है कास्ट इट्स ओन शेडो ऑन द मून और इसी को हम ल्यूनर इक्लिप्स या फिर इक्लिप्स ऑफ द मून बोलते हैं ओके okay. इसकी अच्छी मुख्य बातें पूर्णिमा की रात द फुल मून नाइट, मुन्ट ऑकर्स ओनली ऑन अ फुल मून नाइट, सिर्फ फुल मून नाइट में ही आपको दिखाई देगा ल्यूनर इक्लिप्स और आख खुली आंखों से देखा जा सकता है इसे और ये साल में कम से कम दो बार होता है नाव नेक्स्ट टॉपिक इोलर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स में वेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो मून अपना शेडो अर्थ के सरफेस पे बनाता है पार्शली और होली हाइट्स दर्शन कुछ जगहों में अर्थ के कुछ जगहों में ये पूर्ण तरीके से दिखाई देता है क्योंकि उस जगह से सन नहीं दिखाई देता सन पूरा ढक जाता है मून के वजह से आपको जैसे फोटो में दिख रहा होगा अम्ब्र फुल शेडो दो तरह के शेडोज देखिए यहां पर क्रिएट होते हैं जहां पर देखिए अगर हम आपको फोटो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके तो, तो यहां पर देखिए ब्रैकेट में ऊपर में पार्शियल शेडो लिखा हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ है पेनम्र पेनम्र और अम्र ये दोनों अलग अलग जगहें हैं ये अम्र वाला जगह अर्थ का जिस पार्ट पे ये अम्र वाला फुल शेडो पड़ रहा है ना वहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा मतलब पूरा सन ढका हुआ दिखाई देगा सन के सिर्फ कुछ भागी कुछ भाग दिखाई देंगे पे नम्र जो पार्शियल शेडो है वहाँ पर सन टुकड़ों में दिखाई देगा पीसेस ऑफ सन दिखाई देंगे पूरा सन नहीं दिखाई देगा लेकिन कुछ भाग सम पार्ट विल बी शोन तो व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द इट कास्ट इट शेडो ऑन द सरफेस एंड पार्टी सार्ट होली द सन। या तो थोड़ा सन को ढकता है या पूरी तरीके सन को ढक देता है और इस प्रोसेस को हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं अ सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस ओनली ऑन अ मून न्यू मून डे एंड इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देखिए ल्यूनर इक्लिप्स का सबसे लंबा ड्यूरेशन 106 मिनट का रह चुका है 106 मिनट का ड्यूरेशन चंद्र ग्रहण लेकिन सोलर इक्लिप्स जो है वो हमेशा से न्यू डे में ही होता है बीस अमावस की रात में ही रात में नहीं अमावस का रात वाला जो दिन होगा उस दिन जिस दिन अमावस की रात होने वाली है उसी दिन सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है और काफ़ी कम समय के लिए दिखाई देता है सबसे लंबा सोलर इक्लिप्स सात मिनट साढ़े सात मिनट सेवन मिनट थर्टी सेकेंड के आसपास का चलता है इट्स एवरेज सेवन मिनट थर्टी सेकेंड अ सोलर इक्लिप्स कैन बी पार्शियल पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं जिसमें सन के कुछ पार्ट दिखाई देंगे और टोटल सोलर इक्लिप्स जिसमें सन कंप्लीटली हिडन पूरी तरह से ढक जाता है ओके okay. अब हमने पिछले फोटो में आपको दिखाया था कैसे सन पूरी तरह से ढक जाता है उसके बाद भी सन के कुछ रिंग्स दिखाई देते हैं वो जो रिंग्स का अपियरेंस है कि सन में सन पूरी तरह से जब ढक जाता है फुल सोलर इक्लिप्स में तो सन के साइड साइड में रिंग सन का दिखाई देता है और उस रिंग को हम कोरोना बोलते हैं द अपियरेंस ऑफ द सन लाइक अ रिंग ड्यू टू फुल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड कोरोना ओके okay. तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का सबसे पहला फोटो मैंने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट 1975 में जो लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट उसकी फोटो दी है ये आर्यभट्ट सैटेलाइट इस तरीके से दिखता था जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाते ऑर्बिट द अर्थ का मतलब अर्थ के अराउंड घूमते हैं ये सेटेलाइट्स जो है वो पावरफुल रॉकेट्स के हेल्प से लॉन्च किया जाता है ताकि अर्थ की ग्रेविटी को पार किया जा सके ताकि ये सेटेलाइट्स अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ पे ही ना गिर जाए तो अर्थ की ग्रेविटी रीजन से जहाँ पर अर्थ अपने तरफ खींचता है उस इलाके से बाहर ले जाने के लिए पावरफुल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पटनिक वन ये दुनिया का पहला सैटेलाइट था जिसको रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था और आर्यभट्ट ये भारत का पहला सैटेलाइट था जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था इंडियन सैटेलाइट्स और भी हैं जैसे भास्करा रोहिणी एप्पल इनसेट वन ए इनसेट वन बी आई आर एस वन बी दीज आर द सम ऑफ द इट डेट वी आर लॉन्च बाई इंडिया भारत के द्वारा ये दूसरे सेटेलाइट जो आर्यभट्ट के बाद लॉन्च किए गए थे एक के बाद एक. तो ये सारे का काम क्या होता है आर्टिफिशल कुछ परप के लिए यूज होता है सबसे पहला वेदर फोरकास्टिंग भाई कहाँ बारिश पड़ने वाली है कहाँ नहीं पड़ने वाली है कितना टेम्परेचर है कितनी ह्यूमिडिटी है ठीक है फिर पहले से हमें कुछ तूफान आने वाले होते हैं कि ये तूफान भाई हिंद महासागर में है इंडियन ओशियन में ये तूफान ये चक्रवात आने वाला है वायु तूफान आने वाला ये बीच में हमें पता चला था ना ये कैसे पता चलता वेदर फोरकास्ट कैसे कर पाते ड्यू टू सैटेलाइट्स उसके बाद कम्युनिकेशन पर्पसेस मन किया आज अमेरिका फोन लगाया मन किया आज पटना में फोन लगा दिया मींस हमें जहाँ मन करता है हम तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं आजकल तो इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया ड्यू टू सैटेलाइट्स ही तो हमारा तो वीडियो कॉल हो जाता है तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ है एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस मतलब वो स्पेस में जाना और स्पेस की कुछ चीज़ों को नजर रखना वहाँ पर जाके कुछ चीज़ों पर संशोधन करना एक्सपेरिमेंट्स करना तो वो एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस के लिए भी कभी कभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज होता है जैसे कि एक सैटेलाइट हमने अभी चंद्रयान जब टू हुआ था 2019 में तो एक सैटेलाइट अभी भी हमारा मून के अराउंड घूम रहा होगा तो वो मून की चीजों पर नजर रखते रहेगा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है नेविगेशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है नेविगेशनल का मतलब है रास्ता बहुत बार हम लोग ही तो मैप का यूज़ नहीं करते वी आर यूजिंग गूगल मैप्स अब ये गूगल मैप्स हमें क्या दिखाता था नैविगेशन के भाई किधर साउथ है किधर ईस्ट है कौन सा शहर कहाँ है तो हम इंटरनेट का यूज़ क्या किए या फिर हमने सेटेलाइट्स का यूज़ किस तरीके से किया नेविगेशन के लिए हमें अपने रास्ता नेविगेशन मतलब रास्ता देखना तो बहुत बार हम मैप्स का यूज़ करते हैं गूगल मैप्स का और भी बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स को तैयार किया जाता है और उनका यूज़ किया जाता है ओके okay. तो इस तरीके से हमारे इक्लिप्सेस सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इस तरह के टॉपिक्स पूरे हुए हैं ओके सो इसी के साथ गुड बाय माय डियर विनयंस दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो एवर आई थिंक बिकॉज टॉपिक्स वेर लेस इन दिस चैप्टर वी विल मीट सून इन द लाइव सेशन And uh, we will discuss about some exercise question answers and the topics solar eclipse and lunar eclipse and the artificial satellites there. okay till you have to complete your homework on time. Thank you so much, my dear Vinayans.